कुछ बातें थी हमारे बीच जो अधूरी रह गई थी दिल करता था बता दूँ सब कुछ लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से वो बातें अनकहीं सी रह गई थी हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो वो जो अधूरी अनकही बातें हैं वो पूरी करने के लिए आज फिर से हम यहाँ मिले हैं तो बात करेंगे ग्रेविटेशन के बारे में फ्रॉम एस क्लास टेन साइंस वन चैप्टर नंबर वन जिसका देखेंगे लेक्चर थ्री एंड लेक्चर थ्री में बात करेंगे फ्री फॉल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड एसके के बारे में एंड इफ यो न्यूट्यूज चैनल सब्सक्राइब करना शेयर करना वीडियो को लाइक भी करना तो क्या होता है फ्री फॉल गौर फरमाइए आता हा हाथ माजा नहीं है मी बंगड़ी हालत नहीं मम्मी का हाथ है तो ये लोग ने क्या बोला है देखो वेन वी होल्ड द ऑब्जेक्ट इन अवर हैंड जब हम ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में पकड़ते हैं द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी इस को नीचे की तरफ खींच रही है सिंपल लेकिन हमने ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में पकड़ा है ग्रेविटी नीचे खींच रही है लेकिन हम भी उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मेरा हाथ उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई करेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन तो देखो ऑब्जेक्ट विल बी बैलेंसड बाईसिट डायरेक्शन सिंपल सी बात है, भाई, नीचे रही है हम उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ धक्का लगा रहे हैं एंड दट इज वाई द ऑब्जेक्ट इज बैलेंड तो हम क्या बोलेंगे द ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट ऑब्जेक्ट हिलता नहीं है ऑब्जेक्ट स्टेबल रहता है लेकिन जैसे ही हम उस ऑब्जेक्ट को रिलीज कर देते हैं

दिस ज कॉल्ड एज फ्री फॉल ठीक है ना भाई तो देखो वेन एन ऑब्जेक्ट मूव अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन जब भी कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ जब भी कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इंफ्लुएंस में मूव कर रहा है या फिर गिर रहा है, हम बोलते हैं कि इट इज फॉलोइंग फ्रीली द ऑब्जेक्ट इज फॉलोइंग फ्रीली इतनी सी बात है दैट्स इट समझा ठीक है अब एक छोटा सा घर है और घर के छत पे मैंने एक बंदा खड़ा किया बंदे के हाथ में बॉल है ठीक है हम बोलेंगे इन फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो अब बंदे ने बॉल को पकड़ रखा है ठीक है द बॉल इज एट रेस्ट बॉल हिल रहा है क्या नहीं दैट इज वाई द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज जीरो लेकिन जैसे ही वो बंदा बॉल को छोड़ देगा बॉल गिरेगा एंड गिरते गिरते बॉल की स्पीड बॉल की वेलोसिटी बढ़ेगी ड्यू टू ग्रेविटी देखो भाई बॉल गिर रहा है एंड गिरते गिरते उसकी स्पीड क्या हुई इनक्रीज होगी गो ऑन इंक्रीजिंग दैलॉसिटी विल इनक्रीज ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ सिंपल सी बात है समझ रही है बॉल गिर रहा है गिरते गिरते उसकी स्पीड बढ़ रही है ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी इसकी वैल्यू हमें पता है ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है यहां तक बिल्कुल क्लियर अच्छा आपको फर्स्ट काल इक्वेशन पता है ना वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वी इज u इज द इनिशियल वेलोसिटी a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम तो अगर मैं बोलूं इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो u की वैल्यू जीरो हो जाएगी यहां पे बराबर एंड a की जगह पे मैं g लिख सकता हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा चेंज करके ऐसे लिखेंगे v इज इक्वल टू जी टी तो एक बात बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं कोई भी ऑब्जेक्ट हो बड़ा ऑब्जेक्ट हो छोटा ऑब्जेक्ट हो वजनदार हो हल्का हो जब वो ऑब्जेक्ट गिरेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड टाइम वो ऑब्जेक्ट कितना वजनदार है इसके ऊपर उसकी फाइनल वेलोसिटी डिपेंड नहीं करेगी फॉर्मूला में कहीं पे भी आपको स्मॉल एम दिख रहा है क्या मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं है ना तो जो फाइनल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट सिर्फ स्मॉल जी एंड टाइम के ऊपर डिपेंड करती है फाइनल वेलोसिटी। सिंपल सी बात बता रहा हूं समझ में आ रही है पक्का ठीक है एक और बात जब ये बॉल गिर रहा था ठीक है जब बॉल गिर रहा था उस बॉल के आजू-बाजू बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स होंगे एंड ये एयर मॉलिक्यूल्स भी हमारे बॉल को धक्का लगाने वाले हैं इन द अपवर्ड डायरेक्शन तो देखो द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर इट विल अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारी हवा भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करने वाली है एंड अ बॉयेंट फोर्स विल एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट बॉयेंट फोर्स मतलब क्या धक्का बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में धक्का लगने वाला है बात समझ रही है तो ये जो है ना दिस इज नॉट ट्रू फ्री फॉल बिकॉज यहां पर देखो क्या हो रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं ग्रेविटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड बो एंड फोर्स धक्का इन द दा अपवर्ड डायरेक्शन दिस इज नॉट ट्रू फ्री फॉल ट्रू फ्री फॉल कब दिखता है भाई ओनली इन वैक्यूम ठीक है यहां पे एटमोस्फियर नहीं है तो हवा का कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा ना एयर मॉलिक्यूल्स है ही नहीं तो बॉल के ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट करेगी ग्रेविटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दस ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम ऑलराइट तो एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं पे प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड और कोई ढंग की जगह नहीं मिली मुझे घर के अंदर uh, एक बुक लेते हैं और एक दस रुपए की नोट लेते हैं एंड दोनों को सेम टाइम पे छोड़ते हैं क्या ऑब्जर्व कर रहे हो बुक जल्दी नीचे गिर रही है लेकिन जो नोट है वो धीरे 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 नीचे आ रही है जस्ट बिकॉज जो नोट है दस रुपए की उसको एयर रेजिस्टेंस ज्यादा फील होगा बिकॉज नोट बहुत हल्की है ठीक है तो उसको बोय एंड फोर्स जो है वो नोट को ऊपर उठाने वाला है एंड दैट इज वाई नोट धीरे 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 नीचे आएगी लेकिन अगर हम एक चीज करें ये जो दस रुपए की नोट है उसको मैं बुक के ऊपर रखू और फिर नीचे छोड़ू तो क्या हो रहा है जो सारा एयर रेजिस्टेंस है वो बुक ले रही है लेकिन कैन यू ऑब्जर्व बुक एंड नोट दोनों सेम टाइम पे नीचे गिर रहे हैं यहां पे नोट को कोई भी एयर रेजिस्टेंस फील नहीं हो रहा ओके okay, तो मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, एक लिया है बॉल जाऊं वैक्यूम में, 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 में एंड छोड़ दू दोनों सेम स्पीड पे गिरने वाले हैं बिकॉज यहां पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है हमने वो एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी करके देख लिया आप भी करके देख लो ठीक है एक और बात फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट द इनिशियल वेलोसिटी यू इज जीरो हमें पता है ऑब्जेक्ट बॉल जब ऊपर है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है फिर वो भाई नीचे गिरेगा नीचे गिरते गिरते उसकी वेलोसिटी बढ़ने वाली है ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन क्या होता है ए इज इक्वल टू जी ठीक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो अगर कोई मुझे आके पूछे सर जब ये बॉल नीचे गिरा तो इसका फाइनल वेलोसिटी वी कितना है एंड उस बॉल को नीचे गिरने को कितना टाइम लगा तो हम क्या करेंगे वी विल यूज द कामेटिकल ठीक फर्स्ट काइनामेटिकल इक्वेशन हमें पता है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं हमने ऑलरेडी करके देखा है इनिशियल वेलोसिटी जीरो जगह पे जी तो क्या बन जाएगा वी इज इक्वल टू जी टी ये तो हमने देखा ना सेकेंड काइनामेटिकल इक्वेशन क्या है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जाएगा इनिशियल वालों से टी जीरोना हाफ ए टी स्क्स इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्स यू स्क्वायर जीरो हो जाएगा ए के जगह पे जी तो क्या बन जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एस तो ये तीनों इक्वेशंस यूज करके हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं जो हमने ऑलरेडी किए हैं उसके ऊपर वीडियो बन चुका है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक यहीं कहीं पर ऊपर आ जाएगी देख लेना ठीक है बहुत ही सिंपल है v GT, S GT square, v square 2GS. एक और प्यारी बात आपको बतानी है सुनो वेन द ऑब्जेक्ट इज फॉलोइंग टूवर्ड्स अर्थ जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है टुवर्ड्स ग्रेविटी गिर रहा है कहा गिर रहा है टुवर्ड्स ग्रेविटी तो g की वैल्यू हम क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे इन द न्यूमेरिकल ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है टूवर्ड्स ग्रेविटी गिर रहा है g की वैल्यू रहेगी पॉजिटिव लेकिन व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स को मैंने ऊपर फेंका अगेंस्ट ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को कहां फेंका ऊपर फेंका अगेंस्ट ग्रेविटी तो जी की वैल्यू क्या रहेगी नेगेटिव रहेगी इन द न्यूमेरिकल यहां पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं आप मत करना याद रखना टवर्ड्स ग्रेविटी पॉजिटिव अगेंस्ट ग्रेविटी नेगेटिव टवर्ड्स ग्रेविटी पॉजिटिव अगेंस्ट ग्रेविटी नेगेटिव ये बातें याद रखनी है बिल्कुल सिंपल एंड एक आखिरी बात आपको पता है ना सैटेलाइट्स होते हैं जो अर्थ को इस तरह से चक्कर लगाते हैं ऑर्बिट करते रहते हैं ये सैटेलाइट भी फ्री फॉल में है सैटेलाइट भी फ्री फॉल में है लेकिन वो अर्थ पे गिरता नहीं है क्यों नहीं गिरता पता है सैटेलाइट के पास ना बहुत वेलोसिटी है वो बहुत तेज मूव कर रहा है तो इस सैटेलाइट के पास कुछ मोमेंटम होगा मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी मतलब मोमेंटम के पास एक डायरेक्शन है सैटेलाइट को मोमेंटम इस डायरेक्शन में खींच रहा है लेकिन अर्थ की ग्रेविटी सैटेलाइट को नीचे खींच रही है मोमेंटम यहां खींच रहा है ग्रेविटी यहां खींच रही है तो क्या होगा हमारा सैटेलाइट कर्व्ड पाथ फॉलो करेगा ऐसे ऐसा घूमेगा फिर मान लो सैटेलाइट यहां पे है सैटेलाइट के पास मोमेंटम है मोमेंटम कहां खींच रहा है नीचे की तरफ खींच रहा है ग्रेविटी कहां खींच रही है अंदर की तरफ खींच रही है तो हमारा सैटेलाइट कर्व्ड पाथ फॉलो करेगा वापस इस तरह अरे हाया ना समझ में आ रहा है वापस इस पोजीशन में सैटेलाइट है मोमेंटम कहां है आगे खींच रहा है ग्रेविटी अंदर खींच रही है तो कर्ड पाथ फॉलो करेगा इस तरह से एंड बस इसी तरह सैटेलाइट घूमते रहेगा चक्कर मारते रहेगा ठीक तो जितने भी सैटेलाइट अर्थ के आजू बाजू चक्कर लगा रहे हैं ऑर्बिट कर रहे हैं हैं सारे सारे के फ्री सारे फॉल में लेकिन वो अर्थ पे गिरते नहीं है बिकॉज उनके पास मोमेंटम होता है मोमेंटम उनको आगे खींचता है ग्रेविटी उनको अंदर खींचती है एंड दैट इज वाई कर्व पाथ फॉलो किया जाता है सिंपल इनफैक्ट हमारा जो मून है ना चंद्र वो भी अर्थ को चक्कर लगा रहा है मून भी फ्री फॉल में है तो हम क्या बोलेंगे मून एंड ऑल द आर्टिफिशियल सैटेलाइट दे आर इन फ्री फॉल तो बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अब सबसे पहली बात इसके ऊपर कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ है एग्जाम में भी नहीं पूछा गया है लेकिन इसमें एक फॉर्मूला है वो फॉर्मूला एमसीक्यूज में ऑब्जेक्टिव्स में कहीं पे पूछा जा सकता है ठीक है एंड इसका कंसेप्ट भी थोड़ा टेढ़ा है थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो कंसेप्ट के लिए कहानी सुनो ठीक है तो सबसे पहला सवाल व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी देखो द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और स्टेट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके पोजिशन के वजह से जो भी एनर्जी स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बचपन में पढ़ा है हमने पोटेंशियल एनर्जी इज एम इंटू जी इंटू एच मासजेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी इन टू हाइट फ्रॉम द सर्फेस एम जी एच एम जी एच ठीक है तो एक एग्जाम्पल लेते हैं मान लो ये बॉल लिया मैंने एंड बॉल को मैंने सरफेस पे रखा हुआ है मास ऑफ द बॉल इज वन के जी जी की वैल्यू है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस इज जीरो मीटर तो अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं तो मुझे क्या आएगा आंसर जीरो जूल्स तो ये लोग क्या बोलते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे है ग्राउंड पे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई एक्चुअली में जीरो नहीं होती है ये हम में टें बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं इसलिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑन ग्राउंड इज जीरो एक्चुअली में जीरो नहीं होती ये तुम 11, में पढ़ोगे ठीक फिर मैंने एक स्टूल लिया एंड बॉल को स्टूल पर रखा है हाइट कितनी हो गई वन मीटर यहां पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया तो मुझे क्या आएगा वन इंटू नाइन पॉइंट एट इंटू वन मतलब कितना हो गया नाइन पॉइंट एट जूल्स बराबर सिंपल हिसाब तो मैं जैसे ही ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाता हूं हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी इनक्रीज हो रही है ठीक है फिर मैंने एक और लंबा स्टूल लिया जिसकी हाइट कितनी है दो मीटर फॉर्मूला वन इंटू नाइन पॉइंट एट इंटू टू तो क्या आंसर आएगा नाइनटीन पॉइंट सिक्स जूल्स ऑब्जेक्ट को और ऊपर लेके गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी और इंक्रीज हुई बराबर फिर मैं उस बॉल को लेकर माउंट एवरेस्ट पे जाके रख दिया माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना होता है 8,800 मीटर 8.8 किलोमीटर एंड वहां जाके मैंने फॉर्मूला यूज किया 1 इंटू नाइन पॉइंट एट इंटू तो मुझे आंसर क्या आया 86,240 सिक्स जूल्स तो बात बहुत सिंपल है जितना तुम ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाओगे हाइट पे लेके जाओगे उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने वाली है बहुत सिंपल तो हम क्या बोलेंगे दिस एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिव रिलेटिव मतलब क्या वो चेंज हो सकती है एंड इट इंक्रीजेस एज वी गो टू ग्रेटर हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर वन बहुत ध्यान से सुनना जितना तुम ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाओगे हाइट पे लेके जाओगे उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी सिंपल फिट हो गया भेजे में इसको अभी दो मिनट साइड में रखो ठीक है एक और बात बताता हूं अर्थ के सरफेस पे अगर मैं बोलूं जी की वैल्यू 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ठीक है मैं थोड़ा ऊपर जाता हूं माउंट एवरेस्ट के ऊपर 8.8 किलोमीटर ऊपर तो वहां पे जी की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी की वैल्यू थोड़ी डिक्रीज हुई और थोड़ा ऊपर जाता हूं मैं अपना जो हॉट एयर बलून होता है वो थर्टी किलोमीटर हाइट पर उड़ता है और वहां पर जी की वैल्यू कितनी है नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैं थोड़ा और ऊपर जाता हूं वेदर सैटेलाइट 400 किलोमीटर दूर उड़ता है वहां पे जी की वैल्यू कितनी है 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ऊपर चलते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट अर्थ से 35,700 किलोमीटर दूर उड़ता है ऑर्बिट करता है वहां पर जी की वैल्यू कितनी है 0.225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो बात बहुत ही सिंपल है अर्थ से जितना हम दूर जाएंगे जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ये भी हमें पता है तो हम क्या बोलेंगे फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ एच ठीक है द वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज जितना तुम हाइट पे जाओगे जितना सरफेस से दूर जाओगे जी की वैल्यू डिक्रीज होने वाली है पॉइंट नंबर टू वॉट इज द फर्स्ट पॉइंट जितना ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाते हो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है पॉइंट नंबर टू क्या है जितना तुम सरफेस से दूर जाते हो जी की वैल्यू डिक्रीज होती है ये दो पॉइंट याद रहेगा ठीक है अब आपको एक बात बताऊं हमारा जो बचपन वाला फॉर्मूला है ना पोटेंशियल एनर्जी टू एम इंटू जी इंटू एच ये फॉर्मूला हम सिर्फ स्मॉल हाइट के लिए यूज कर सकते हैं ठीक है फॉर वेरी स्मॉल हाइट्स हाइट्स विच आर वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ ठीक है एम जी एच कैन बी यूज ओनली फॉर वेरी स्मॉल हाइट्स लेकिन अगर तुम बहुत दूर चले जाते हो तो फिर कहानी थोड़ी चेंज हो जाती है सुनो मान लो मैं उस बॉल को अर्थ से इतना दूर लेके गया एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जी की वैल्यू क्या हो जीरो हो गई गई जीरो है ना एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जहां पे जी की वैल्यू जीरो हो जाती है उतना दूर में उस बॉल को लेके गया एंड वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई जीरो हो अब ध्यान से सुनना पॉइंट नंबर वन मैंने क्या बताया <coughs> जितना तुम ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाते हो उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है बराबर लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो इंफिनिटी से कम डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी नेगेटिव होगी नहीं समझा एक और बार एक और बार जितना ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी लेकिन इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो इंफिनिटी के नीचे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव रहेगी ये एक नया यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ध्यान से सुनो। heights, infinity, zero, is, is पे है, तो इन्फिनिटी के नीचे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में रहेगी ऐसा ने अजम्पशन यहां पे निकाला है तो इसके लिए नया फॉर्मूला ये लोग ने हमें दिया है सुनो पोटेंशियल एनर्जी का नया फॉर्मूला माइनस कैपिटल जी क्या होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इन टू कैपिटल एम मास ऑफ स्मॉल मास माइनस जी एम एम अपॉन कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच दैट इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ दिस इज द न्यू फॉर्मूला अच्छा फॉर्मूला को कैसे यूज करना है न्यूमेरिकल में इसका डेरिवेशन क्या है कैसे आया ये सब आप इलेवेंथ में पढ़ोगे ट्वेल्थ में पढ़ोगे तो अभी हमें उन चीजों में घुसने की जरूरत नहीं है यहां पे सिर्फ दो बातें याद रखनी है एम वाला फॉर्मूला एकदम स्मॉल हाइट्स के लिए यूज किया जा सकता है ठीक है एंड ये वाला फॉर्मूला हर एक हाइट के लिए यूज किया जा सकता है लेकिन इसको यूज कैसे करना है न्यूमेरिकल में वो हम अगले साल देखेंगे 10th, 11th में देखेंगे ट्वेल्थ में देखेंगे यहां तक बिल्कुल क्लियर है फॉर्मूला याद रहेगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच बिल्कुल क्लियर आज का आखिरी टॉपिक एस्केप वेलोसिटी टेंशन नहीं लेने का बहुत ही सिंपल टॉपिक है बॉल लेने का ऊपर फेंकने का सुनो व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी तुमने बॉल लिया बॉल को ऐसा ऊपर फेंका अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंका है तो धीरे धीरे बॉल का वेलोसिटी डिक्रीज होएगा एंड एक पॉइंट पे बॉल रुक जाएगा एंड फिर वो नीचे गिरेगा सिंपल तो हम क्या बोलेंगे द वेलोसिटी विल बिकम जीरो आफ्टर रीचिंग अ सर्टन हाइट एक पॉइंट पे बॉल का फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा एंड आफ्टर दैट द बॉल विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन एकदम सिंपल चीज बॉल को ऊपर फेंका वो रुका एंड वो गिरा तो हम क्या करेंगे ना हम एक और बॉल लेते हैं इस बॉल को हम ज्यादा स्पीड से ऊपर फेंकेंगे। तो वो ज्यादा ऊपर जाएगा देखो लेकिन अल्टीमेटली नीचे गिरेगा एक और बॉल लेते हैं इस बॉल को हम और ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी देंगे और ज्यादा स्पीड से ऊपर फेंकेंगे और ऊपर जाएगा लेकिन अल्टीमेटली तो नीचे आने वाला है बिकॉज ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है सिंपल तो मुझे एक बात बताओ यह बॉल कितना ऊपर जाएगा यह किसके ऊपर डिपेंड करता है द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल डिपेंड्स अपॉन इनिशियल वेलोसिटी जितने स्पीड से फेंकोगे उतना वो ऊपर जाने वाला है ठीक तो अगर मुझे वो हाइट कैलकुलेट करनी है तो कैसे करूंगा थर्ड काइनामेटिकल इक्वेशन वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्र प्लस टू ए एस अब मुझे एक बात बताओ वी मतलब क्या फाइनल वेलोसिटी यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी बॉल को मैंने फेंका तो एक पॉइंट पे बॉल जाके रुक गया फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? Zero हो गया। जीरो हो हो मैंने उसको अगेंस्ट ग्रेविटी है। तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? माइनस जी। वो बॉल का वेलोसिटी धीरे-धीरे कम रहा है ना। हो हो? रहा है बॉल। समझ रहे हो? तो माइनस जी लेंगे हम। चलो जी इंटू एस एस क्या है डिस्प्लेसमेंट हाइट रीच बाय द बॉल कितना ऊपर गया दैट इज द डिस्प्लेसमेंट एस ठीक है चलो तो जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस नहीं माइनस टू जी एस रीअरेंज करेंगे थोड़ा तो क्या मिलेगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एस एंड हमें क्या फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल एस तो एस क्या है यू स्क्वायर अपॉन टू जी डब्बा बना देंगे उसके ऊपर क्यूट सा ये फॉर्मूला तो आपको समझ गया लेकिन यहां पे याद क्या रखना है मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल वेलोसिटी जितने स्पीड से फेंकेंगे उतना वो ऊपर जाएगा पॉइंट नंबर वन इसको थोड़ा याद रखो साइड में रखो ठीक दूसरी बात हमें ऑलरेडी पता है जितना हम अर्थ से दूर 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 जाते हैं जी की वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है नाउ वी नो दैट वैल्यू ऑफ जी विल कीप डिक्रीजिंग एज वी गो हायर अबाउ द सर्फेस ऑफ द अर्थ जितना दूर जाओगे जी की वैल्यू जीरो होगी एंड एक पॉइंट आएगा एट इनफाइनाइट डिस्टेंस जहां पे जी की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो हो जाती है एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे पहुंच गया तो कहना ही से वो अर्थ के ग्रेविटी को एस्केप कर चुका है और वो ऑब्जेक्ट अर्थ पे वापस गिरेगा नहीं ठीक है तो सुनो एक ऑब्जेक्ट लेते हैं एक रॉकेट लेते हैं इस रॉकेट को हम इतनी इनिशियल वेलोसिटी देंगे इतनी ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी देंगे सो दैट दिस ऑब्जेक्ट कैन ओवरकम द डाउनवर्ड पुल द अर्थ ये ऑब्जेक्ट इतने स्पीड से उड़ेगा अर्थ के ग्रेविटी को एस्केप कर जाएगा अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको ये ऑब्जेक्ट एस्केप कर जाएगा ठीक है द ऑब्जेक्ट कैन एस्केप द अर्थ फॉर एवर एंड विल नॉट फॉल बैक ऑन द अर्थ इस ऑब्जेक्ट को हम इतने ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी से फेंकेंगे ऑब्जेक्ट सीधा इन्फिनिटी पे जाके रुकेगा अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप कर जाएगा एंड अर्थ पे वापस गिरेगा नहीं तो वो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ना उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी सो व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप अर्थ ग्रेविटी अर्थ के ग्रेविटी को एस्केप करने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए इनिशियल वेलोसिटी उसको ही हम क्या बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी

एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ एंड वहां पे जी की वैल्यू कितनी है जीरो है, ये अपना रॉकेट अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप कर गया एंड जो वेलोसिटी so को कैलकुलेट अगर करना है कैसे करेंगे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी टेंशन नहीं लेने का बहुत ही सिंपल लॉ है बताऊं सुनो भाई ये डेरिवेशन एग्जाम में आ सकता है तो ध्यान से सुनना कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल है देखो ऑब्जेक्ट का मास क्या है एम एम केस वन हम बात करेंगे अर्थ के सरफेस पे अर्थ के सर्फेस के सरफेस पे क्या होने वाला है सुनो जब ये रॉकेट लॉन्च होएगा उड़ेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हाफ एम वी स्क्वा हाफ एम वॉट इज एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वी क्या रहेगी एस्केप वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हमने उसको क्या दी एस्केप वेलोसिटी तो v एस्केप का स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर ठीक चलो फिर उस ऑब्जेक्ट की जब वो उड़ेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी नया फॉर्मूला सीखा है आपने पोटेंशियल एनर्जी का वो यूज करेंगे यहाँ पे माइनस जी कैपिटल जी क्या भाई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इंटू कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ स्मॉल मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर रेडियस ऑफ अर्थ माइनस जी एम एम अपॉन आर यहां पे हम एच नहीं डाल रहे हैं बिकॉज वो ऑब्जेक्ट सरफेस पे ना सरफेस से उड़ रहा है सरफेस पे ही है तो एच डालना नहीं है तो टोटल एनर्जी क्या होएगा ई ई वन वन इज़ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कर दो एडिशन माइनस माइनस नहीं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर यह हो गया ई वन टोटल एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस यहां तक समझा फिर अपना उब, रॉकेट जो था वो उड़के किधर पहुंचा इन्फिनिटी पे पहुंचा इंफिनिटी पे जाके वो रुक गया स्टॉप हो गया तो वहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई स्टॉप हो गया वेलोसिटी नहीं है काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है कि एट इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो जीरो लेकिन हम फॉर्मूला यूज करते हैं ना चलो माइनस जी एम एम अपॉन कहाँ पे है हाइट कितना है इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे है ना तो माइनस जी एम एम इन्फिनिटी एनी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो आ गई तो टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी ई टू कितना होएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी नथिंग बट जीरो ठीक समझा इतना अभी हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है ध्यान से सुनना कुछ नहीं बोलता है टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस वन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू ई टू बस इक्वेट करना है दोनों इक्वेश को दैट्स इट वन क्या है हाफ एम बी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर इज इक्वल टू ई टू क्या है जीरो बस अब थोड़ा रीअरेंजमेंट करना है माइनस जी एम एम अपॉन आर को हम राइट में लेके जाएंगे चलो हाफ एम बी ज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर्क स्मॉल एम स्मॉल एम कैंसल एंड डिनोमिनेटर में जो टू है उसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे राइट right साइड में तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एम अपॉन आर्क बहुत सिंपल तो एस्केप वेलोसिटी इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ टू जी एम अपॉन आर्क ये तुम्हारा तुम्हारा पहला फॉर्मूला है ये फॉर्मूला भी तुम यूज कर सकते हो ठीक है फर्स्ट फॉर्मूला या फिर इस फॉर्मूला को थोड़ा हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपग्रेड कर सकते हैं कैसे करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय आर एंड डिवाइडिंग बताता हूं सुनो थोड़ा रिअरेंज करेंगे इसको हम अंडर रूट ऑफ टू इन टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में जो आर थे ना दोनों उनको हमने मल्टीप्लाई करके आर स्क्वायर बना दिया इन टू आर ठीक है अब आपको पता है स्मॉल जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका फॉर्मूला क्या होता है जीएम अपॉन आर स्क्वेयर तो उसके जगह पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे स्मॉल जी तो एस्केप वेलोसिटी विल बिकम अंडर रूट ऑफ टू इन टू स्मॉल जी इन टू आर डब्बा बना देना क्यूट सा ये हो गया तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला तो दो फॉर्मूला है एस्केप वेलोसिटी के अंडर रूट ऑफ टू जीएम अपॉन आर या फिर अंडर रूट टू जी आर समझा एंड अगर थोड़ा कैलकुलेशन करें थोड़ा हिसाब लगाएं तो क्या मिलेगा भाई अंडर रूट टू इन जी क्या होता है नाइन पॉइंट एट इन आर क्या होता है रेडियस ऑफ सिक्स पॉइंट फोर इन टू टेन टू द पावर सिक्स मीटर ठीक है तो कुल मिला के हिसाब लगा के कैलकुलेशन करने के बाद आपको आएगा इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड दिस इज द वेलोसिटी अगर इस वेलोसिटी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इस इनिशियल वेलोसिटी से तुम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो वो अर्थ के ग्रेविटी को एस्केप कर जाएगा बात समझ में आई डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल क्या बोलता है इवन इज इक्वल टू इटो। बस इक्वेट करना है एंड हिसाब लगाना है बहुत सिंपल तो यहां समाप्त होती है हमारी आज की कहानी फ्रीफॉल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी की आई होप सारे कंसेप्ट बहुत इजी थे एंड समझ में आए ठीक है डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हारा जो भी फीडबैक है गालियाँ हैं तो गालियाँ भी दे दो दे ही देते हो और क्या एंड आई नो आई हैव बीन अन अवेलेबल फॉर क्वाइट सम टाइम बट डोंट वरी अब से रेगुलर लेक्चर आएंगे एंड कुछ और सरप्राइजेस भी हैं जो एक एक करके आएंगे ठीक है और क्या बोलते हैं हाँ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन पीस आउट